अध्याय दो। नटखट चिंकी। चिंकी गिलहरी बहुत नटखट थी। कभी वह पेड़ पर घोंसलों के पास जाकर चिड़ियों के बच्चों को डराती तो कभी सोए हुए बंदर की पीठ पर चढ़ जाती। जब बंदर उसे पकड़ने को लपकता तब वह भागकर डाल की फुनगी पर जा बैठती और ही करके हंसती। नटखट चिंकी को फल बहुत अच्छे लगते थे। उसे बेर बहुत पसंद थे। माँ डांटती, चिंकी ज्यादा बेर मत खाओ, खांसी हो जाएगी। पर भला चिंकी कब मानती। एक दिन की बात है, चिंकी की माँ बाहर गई। चिंकी भी जंगल की सैर करने निकल गई। पेड़ बेरों से लदे हुए थे। भला चिंकी बेर खाए बिना कैसे रहती। वह एक पेड़ पर चढ़ गई। वह अब नन्हे दांतों से कुतर कुतर कर बेर खाने लगी। उसने खट्टे मीठे बेर खाए। चिंकी बेर की गुठलियां नीचे फेंकने लगी। गुठलियां नीचे डाल पर बैठी चिड़ियों को लगती। वे डर जाती। चिंकी ताली बजाकर हंसने लगती। सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह सब देख रहा था। चिंकी ने फिर एक गुठली नीचे फेंकी। वह घोंसले में सोते चिड़िया के बच्चों को जा लगी। वे चिल्ला उठे, ही। चिंकी खिलखिलाकर हंसने लगी। यह क्या हो रहा है? उसको अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। नीचे आओ चिंकी, अब डांट पड़ेगी, चिंकी ने सोचा। वह झटपट नीचे की ओर भागने लगी। बेर की गुठली उसके मुंह में थी। जल्दी में गुठली उसके गले में फंस गई। उसकी सांस रुकने लगी। चिंकी का चेहरा लाल हो गया। क्या हुआ? माँ घबराई। चिंकी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी छोटा बंदर आया। उसने सब तमाशा देखा। वह बोला, चिंकी के गले में बेर की गुठली फंसी है। हाय राम, गले से गुठली कैसे निकले? चिंकी की माँ घबराई। लल्लू तोते को बुलाओ, किसी ने कहा। वह तो बाग में अमरूद खाने गया है, कबूतर बोला। अब क्या होगा मेरी चिंकी का? माँ रोने लगी। मैं बताऊं? छोटी चिड़िया आगे बढ़ी। उसी समय उसे जोर से छींक आई। आ छी। यह देखकर छोटे बंदर को एक उपाय सूझा। वह दौड़कर चिंकी के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक तिनका था। उस तिनके को चिंकी की नाक में डालकर छोटा बंदर चिंकी को गुदगुदाने लगा। आ छी आ छी। चिंकी को जोर से छींके आई। गुठली बाहर आ गिरी। थक, मैं ठीक हो गई माँ, चिंकी चिल्लाई। सब तालियां बजाकर गाने लगे। नटखट चिंकी, नटखट चिंकी, गले में गुठली कैसे अटकी? चिंकी ने सिर झुका लिया।